कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। उसका नेम क्या है? DNS। DNS क्या होता है? फुल एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस DNS का, आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये DNS होता क्या है। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। आप कहीं कहीं देखेंगे डोमेन नेम सर्वर या फिर डोमेन नेम सर्विस भी होता है, तो वो भी सही है, वो भी DNS ही होता है। ठीक है, ये होता क्या है? इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द डोमेन नेम टू इट्स करस्पोंडिंग IP एड्रेस सो दैट वेब ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड विच वेब पेज यू वॉन्ट टू एक्सेस ऑन द इंटरनेट। DNS एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ये करता क्या है? ये सिंपली डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे हमारा वेब ब्राउज़र ये समझ सके कि हम किस वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट पे। अगर ये DNS डोमेन नेम यानी वेबसाइट के नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। वो क्या होगा, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। मान के चलिए कि ये क्या है, ये है हमारा वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये ब्राउज़र है और यहाँ पे क्या है, एक सर्चिंग बॉक्स है। यहाँ पे आपको वो सर्च करना जो आप करना चाहते हैं। तो अगर मान लो मुझे क्रिकेट का स्कोर देखना है तो मुझे क्या सर्च करना होगा? मुझे सर्च करना होगा क्रिकबज। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट का यही साइट है। तो यहाँ पे जो हमने क्रिकबज लिखा है ना, यही होता है डोमेन। डोमेन मतलब किसी भी वेबसाइट का नेम। तो अभी DNS क्या करेगा, जैसे ही हमने यहाँ पे डोमेन नेम सर्च करा क्रिकबज, DNS इसका IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। अगर DNS अपना काम नहीं करेगा, इस डोमेन को IP एड्रेस में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो हमें दिक्कत क्या होगा, हमें इस क्रिकबज वेबसाइट का IP एड्रेस याद करना होगा। IP एड्रेस बहुत ही ख़तरनाक नंबर होता है। वो क्या होता है, इस तरह से इंट्रिजिक नंबर होता है। मान लो यहाँ पे एक और सर्च बॉक्स है। ठीक है, इस क्रिकबज डोमेन को याद रखना ज़्यादा आसान है कि इस IP एड्रेस को याद रखना बहुत आसान है? आप बताइएगा। इस तरह से IP एड्रेस होता है किसी भी साइट का। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी साइट का IP एड्रेस है। ठीक है, तो अगर हम इस डोमेन को सर्च करते हैं तो फिर भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इस IP एड्रेस को ब्राउज़र के सर्च सेक्शन में सर्च करेंगे फिर भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि डोमेन को याद रखना, किसी वेबसाइट के नेम को याद रखना बहुत ही आसान होता है। और किसी भी वेबसाइट का नेम इसलिए दिया जाता है ताकि हम यूज़र को आसानी हो उस वेबसाइट तक पहुंचने में, सर्च करने में, उसे याद रखने में। अगर वेबसाइट का नेम नहीं होगा इस तरह से तो हमें क्या करना होगा, उसका IP एड्रेस याद करना होगा, इस तरह का नंबर। तो इतनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना तो उसका IP एड्रेस देना होगा, तो IP एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या होता है, जब पहले DNS नहीं था, डोमेन नेम सर्वर, तब हमें IP एड्रेस ही याद करना होता था और हम IP एड्रेस ही सर्च करके उस वेबसाइट तक पहुँचते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, वेबसाइट का नेम सर्च करते और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो DNS जो है इंटरनली काम क्या करता है, इस डोमेन नेम यानी वेबसाइट नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है और बाकी ब्राउज़र को समझाता है, क्योंकि ब्राउज़र को IP एड्रेस ही समझ में आता है। ये समझ में नहीं आएगा क्रिकबज ये क्या है, उसको ये IP एड्रेस समझ में आता है, इसीलिए DNS इसको कन्वर्ट करता है इंटरनली, जो कि हमें पता नहीं चलता। एक रियल लाइफ एग्जांपल हम आपको समझाते हैं जिससे आपका DNS का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, और इस मोबाइल फ़ोन में हम क्या करते हैं, सभी के नंबर्स को सेव करके रखते हैं उनके नेम के साथ। अगर हमें किसी का भी नंबर सेव करना होता है तो हम सबसे पहले उस नंबर के साथ उस पर्सन का नेम को सेव कर देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें उसे कॉल करना होता है तो हम उसका नेम सर्च करते हैं और उस नेम पे कॉल कर देते हैं, तो उसके नंबर पे कॉल चला जाता है। तो मान लो कि 1000 टोटल कॉन्टैक्ट है मेरे, अगर हम सभी को सभी के नेम के साथ सेव कर देंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको भी कॉल करना होगा मैं फट से कर सकता हूँ। ठीक है,
अगर मैं सभी का नंबर मोबाइल में रखा हूँ लेकिन किसी का नंबर मैंने उसके नेम से सेव नहीं करा है, तो फिर दिक्कत क्या होगा कि मुझे सभी का नंबर याद रखना होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी मुझे पता भी नहीं चलेगा कि किसका नंबर कौन सा है। तो नेम क्या करता है कि हमें बहुत ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करता है कॉलिंग के लिए। तो सेम DNS भी यहाँ पे वही काम करता है। हम क्रिक बाद सर्च करते हैं वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का नेम याद रखना हमारे लिए बहुत आसान है उस तक पहुँचना, ठीक है, इसीलिए। लेकिन ब्राउज़र को ये समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए DNS क्या करता है, इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करके ब्राउज़र को समझाता है। तो हमें बिना IP एड्रेस एंटर किए हुए हमारा सारा काम DNS कर देता है। जब DNS नहीं था तो हमें IP एड्रेस ही प्रोवाइड करना होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डोमेन नेम सिस्टम का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।